जब से टीम इंडिया का श्रीलंका टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बाद बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी की किस्मत चमक चुकी है और अगर वो अब शानदार प्रदर्शन करेंगे तो शायद टीम इंडिया के साथ वो काफी देर तक बने रहें, क्योंकि गौतम गंभीर जाने नहीं जाते ज्यादा बदलाव के लिए और सभी यही बोल रहे हैं कि ये जो प्लेयर चुने गए हैं शायद यही टीम इंडिया काफी देर तक खेलते हुए नजर आए और गौतम गंभीर इनको काफी ज्यादा मौका देंगे। अगर इन प्लेयरों में हम सबसे ज्यादा बात करें तो शुभमन गिल जो की वाइस कैप्टन बना दिया गया है टीम इंडिया के दोनों फॉर्मेट का, उसके बाद रियान पराग जो की ओडीआई T20 स्क्वाड के लिए अपनी जगह बना ली है। रियान पराग का जिम्बाब्वे दौरा कोई शानदार नहीं गया लेकिन तब भी उनको स्क्वाड में जगह मिली है उनके आईपीएल के प्रदर्शन को लेकर। वहीं उसके बाद शिवम दुबे जिनको की दोनों स्क्वाड में जगह मिली है, शिवम दुबे ने आईपीएल में भी शानदार काम किया था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप उनका इतना खास नहीं था गया, जिम्बाब्वे टूर उनका शानदार गया था उसे लेकर उनको दोनों स्क्वाड में जगह मिल चुकी है और अब वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वाशिंगटन सुंदर की जो की काफी देर से इग्नोर हो रहे थे सिलेक्टर की नजरों से, लेकिन अब उनको गौतम गंभीर ने दोनों फॉर्मेट में जगह दे दी है और कहा है कि आप ही रविंद्र जडेजा की पोस्ट मालो। वहीं खलील अहमद को भी शानदार मौका मिला है कि अपनी टीम इंडिया में जगह पक्की कर लें, क्योंकि उनको भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है दोनों वाइड बॉल क्रिकेट में, जहां उनका आईपीएल भी शानदार गया था, उसके बाद जिम्बाब्वे टूर भी उनका शानदार गया था और शायद दूसरी के लिए उनको इन दोनों टीमों में जगह मिली है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में आता है वो ये है हर्षित राणा, जिनको की ओडीआई स्क्वाड में जगह मिल चुकी है आईपीएल में शानदार काम करने के बावजूद। उनको सबसे पहले जिम्बाब्वे टूर में जब जगह नहीं थी मिली तो सभी सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे थे बीसीसीआई की, लेकिन अब उनको ओडीआई स्क्वाड में जगह मिल चुकी है और बस अब उनको खुद को प्रूफ करने का मौका है। लेकिन खलील अहमद और हर्षित राणा में से कोई एक ही टीम इंडिया के स्क्वाड में अपनी जगह बना पाएगा, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह इस टूर से रेस्ट है उनको, इसलिए इन दोनों को जगह मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की एक बार फिर से ओडीआई स्क्वाड में वापसी हो चुकी है और सबकी नजरें रहने वाली है इन पर के ये दोनों किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव जो सबसे बड़ा नाम आता है क्योंकि उनको तो T20 का कैप्टन बनाया गया है टीम इंडिया का और तेज गति से रन बनाने के साथ साथ अब उनके सर पर कैप्टेंसी की भी जिम्मेवारी आ चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स जरूर बताना। स्पोर्ट्स के बिल्डिंग मैच को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।